नमस्कार लोहप्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। कौन मारेगा बाजी में, आज हम बात करेंगे गोविंदपुर विधानसभा सीट की। गोविंदपुर नवादा जिले के अंतर्गत और नवादा संसदीय क्षेत्र में है। साल 2015 की बात करें तो मौजूदा समय में इस सीट से पूर्णिमा यादव विधायक चुने गए थे। वे कांग्रेस के टिकट से रहे थे। उन्होंने इस चुनाव में 43,016 वोट प्राप्त किया था। उनके विपक्ष उम्मीदवार की बात करें तो फूल देवी भाजपा से रही थी। उन्हें इस चुनाव में 38,617 वोट प्राप्त हुए थे। दोनों प्रत्याशियों के बीच 4,399 वोट का अंतर रहा था। अब हम चुनावी साल 2010 की तरफ देखें तो इस साल यहां से कौशल यादव विधायक रहे थे। वो जदयू से रहे थे और उन्हें कुल 45,589 वोट हासिल हुआ था। वहीं उनके विपक्षी उम्मीदवार लोजपा के टिकट से प्रोफेसर केवी प्रसाद रहे थे और उन्हें कुल मिलाकर 24,702 वोट मिले थे। दोनों प्रत्याशियों के बीच तकरीबन 20,887 वोट का अंतर रहा था। चुनावी साल 2010 और 2005 के चुनावी नतीजों की तरफ देखें तो इस दोनों साल कौशल यादव विधायक हुए थे। साल 2010 में वो जदयू से थे, वहीं 2005 में निर्दलीय उम्मीदवार रहे थे। चुनावी साल 2000 की तरफ हम चले तो इस साल गोविंदपुर सीट से राजद से गायत्री देवी विधायक हुई थी। अब हम साल 1995 के चुनावी नतीजों की तरफ देखें तो जनता दल का इस सीट पर कब्जा रहा था। जनता दल के सदस्य होते हुए बी प्रसाद विधायक रहे थे। अब वहीं अगर हम साल 1990 को देखें तो इस साल यहां कांग्रेस का कब्जा रहा था। कांग्रेस उम्मीदवार गायत्री देवी विधायक चुनी गई थी। इस क्षेत्र के विकास कार्य को देखा जाए तो पावर हाउस का निर्माण हुआ। जल योजना के तहत पेयजल घरों के अंदर नलों से पहुंचाई गई। सार्वजनिक टैंक की व्यवस्था जगह जगह पर हुई। बिजली की आपूर्ति कर घर गली और सड़कों पर रोशनी बिखेरी गई। वहीं शिक्षा के मामले में विद्यालयों को उत्क्रमित किया गया, साथ ही साथ पावर हाउस का निर्माण भी करवाया गया। क्षेत्र के चुनावी मुद्दों की तरफ चले तो उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज की स्थापना, रोजगार की स्थापना किया जाना है। किसानों का मुद्दा भी काफी महत्वपूर्ण है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बात करें तो गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन की तरफ से राजद प्रत्याशी मोहम्मद कमरान को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं एनडीए से यह सीट भाजपा के खाते में गई है। भाजपा की तरफ से पूर्णिमा देवी मैदान में है। यहां की खासियत रही है कि गोविंदपुर की जनता हर बार अपना प्रतिनिधि बदलती रही है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।